please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, दिस इज योर होस्ट नवीन ठाकुर और मेरे भाइयों सब बढ़िया हो। तो फ्रेंड्स अभी हैं हम केलोंग में और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज है हमारा लास्ट डे केलोंग में। जी हाँ, वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया जब हम इस केलोंग को छोड़ने वाले हैं और इस बार और अब कुछ नया देखने वाले हैं। जी हाँ, अब आप भी मेरे साथ नया शहर नया प्लेस देखने वाले हैं जिसका नाम है पांगी। तो याद रखना, पांगी वही प्लेस है जहाँ से पांगी टू किश्तवर और किल्लर, ये जो वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड कहा जाता है, तो वहाँ तो नहीं जाएंगे हम, बट पांगी के काफ़ी गांव में ले जाऊँगा इस बार। और सबसे बड़ी बात, अब लाहौल में कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, हर जगह में आएंगी, फिर भी हम मैंने और कटप्पा ने काफ़ी डट के सामना किया। तो वो अपने सफ़ेद शूज़ धो रहा है क्योंकि अभी जाना है सीधा पांगी की तरफ और उसको थोड़ा सा अपना ड्रेसअप करना है और हम भी थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे और करेंगे ड्रेसअप और फिर चलेंगे टूवर्ड्स पांगी। तो फ्रेंड्स फिर भी आपका लाहौल से केलोंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि अब अलविदा करने वाले हम स्पेशली केलोंग को। फिर से लाहौल में आएंगे उदयपुर साइड, तो वो तो कुछ दिनों के बाद की बात है, लगभग 10 से 15 दिनों के बाद। तो फ्रेंड्स अब ले चलूँगा मैं आपको सीधा जो WWF के जो मेंबर हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ और उनके कुछ मेंबर से मिलाऊँगा, तो चलते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हम होटल में जहाँ पे अपने भाई लोग आने वाले हैं और अभी सामान हमारा गाड़ी में हो चुका है, गाड़ी तैयार हो चुकी है वी क्रॉस अपनी। और इस होटल में यहाँ पे बच्चे रह रहे थे। सबसे पहले कटप्पा से पूछते हैं यार, तो भाई कैसा फील हो रहा आपको आज? भाई ये लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि आओ हमारी इस वादियों में और फुल एंजॉय करो। और इसके बाद है हमारी एक मैम जिनका नाम तारा है। हेलो, अपने थोड़ी सी इंट्रो। मैं हूँ WWF में सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर इकोलॉजिस्ट। WWF मींस रेसलिंग वाली नहीं? हाँ, रेसलिंग वाली नहीं, क्योंकि जब मैं पहली बार इनका नाम जब मुझे मेरे पास ये असाइनमेंट आया तो मैंने भी सोचा WWF मींस वो, बट ये असली बताएंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। हाँ, नेचर भाई, मेरे तरह नेचर लवर है। और इसके बाद मिलाएंगे हम आपको एक फॉरनर से, NRI। ये हमारे भाई अमेरिका से। हेलो, मिस्टर श्रीपाल, रौनक श्रीपाल। हाँ, मैं भी प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ WWF के लिए, सोशल साइंटिस्ट काम करता हूँ एज अ जॉन सीना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम रश्मि सिंह। हाँ जी, हेलो, से समथिंग अबाउट यू। आई एम द इकोलॉजिस्ट विद WWF and excited to go to Pangi। हाँ, असली जो excitement है अब से start है। आज तक यहीं थे, इसी होटल में पड़े हुए थे, तो अभी जो करना है हमें कटप्पा और मेरे साथ, देखते अब क्या क्या होता है यार। केलोंग से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन था वो था हमारा तांदी। जी हाँ, तांदी जाके हमें डीजल भरवाना था, क्योंकि तांदी के बाद आपको पांगी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इवन पांगी में भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो ट्राई करें जितना आप फ्यूल अपने साथ ले जा सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कैरी करके भी ले जा सकते हैं 20 लीटर तक, तो आपको वहाँ के लिए ईजी होगा। तो फिर आपको चंबा में मिलेगा और चंबा से पहले आपको सीधा तांदी में मिलेगा। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो गाड़ी भी आपकी कम एवरेज देगी, तो ट्राई करेंगे एक्स्ट्रा तेल लेके चलें।
जयपुर जाके क्या करना है, मृकुला माता का टेंपल जरूर देखना है, बहुत एंशियंट है। और कटप्पा बोल रहा है गर्मी काफ़ी है यार उदयपुर में, 34 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ये टेंपल है मृकुला माता का, तो जाएं और यहाँ पे अपना मस्तक टेकें और उसके बाद अपनी सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स पांगी। तो फ्रेंड्स यहाँ इस मंदिर की सबसे जो खास बात है, एक तो वो मृकुला माता का टेंपल है, दूसरी बात है यहाँ पे जिसको भीम पत्थर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भीम एक टाइम पे इस पत्थर के वेट के वजन के बराबर ही खाता था। और दूसरी बात है अगर 5 आदमी इसमें अपनी ये ऐसे उठाना बहुत मुश्किल होता है ये पत्थर, बट अगर हर पर्सन अपनी टोटल 5 पर्सन अपनी एक एक उंगली लगाएं और उससे उठाएं तो वो बहुत इजीली उठ जाता है। तो फ्रेंड जैसे ही आप उदयपुर को क्रॉस करोगे तो यार यहाँ देवदार आपका स्वागत करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे देवदार, लेफ्ट राइट देवदार ही देवदार। बट याद रखना ये मंज़र ऐसा ही नहीं रहने वाला, इसके बाद जो आपका मंज़र है वो डिफ़िकल्ट से बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो फ्रेंड्स याद रखना अब ये रोड ऐसा ही रहने वाला है, चाहे टिल पांगी बोलो, चाहे टिल किलाड़ बोलो, चाहे आप टिल चंबा बोलो, तो रोड ऐसा ही डिफ़िकल्ट रहेगा। कोई आपको बीच में पक्का रोड नहीं मिलेगा। और याद रखना लेफ्ट साइड मिलेगी चिनाब नदी, जिसकी आवाज़ सुन के वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बहुत फास्ट नदी है, इसमें आपकी चंद्रभागा दोनों मिलती है, और साथ में अब मिलेंगे पांगी से आने वाले मैक्सिमम नाले भी इसी में ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद बताऊँगा मैं सीधा ये जो अभी नाला आने वाला है, ये है पागल नाला जो उदयपुर क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद आता है। तो याद रखना ये नाला अभी भी थोड़ा सा कम है, ये बहुत भयंकर नाला आता है। दिन को 12 बजे के बाद इसकी जो स्पीड और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ट्राई करें कि अवॉइड ही करें अगर आप दिन को 12 बजे के बाद निकलें टिल 5 बजे तक, उसके बाद भी निकल सकते हैं, बट रात का सफ़र तो बिल्कुल गलती से भी मत करना, हो सके 12 बजे से पहले निकलना इस नाले को। आगे भी नाले हैं बट सबसे डेंजरस नाला याद रखना टिल किलाड़, यही मिलेगा आपको। बड़ा गंदा पॉइंट है रे बीच वाला। तो फ्रेंड्स अब बढ़ रहे हैं हम टुवर्ड्स किलाड़, और रोड है और डिफिकल्ट होता जा रहा है जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या बस एकदम से आ गई और हमने ध्यान नहीं दिया, और मुझे अब अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी क्योंकि बस के पास पीछे होने का कोई रास्ता नहीं। और फ्रेंड्स याद रखना ऐसे टाइम पे जब भी आप रिवर्स करो तो अपने लेफ्ट साइड वाले को बोल के और शीशे में देख के, और उसको भी बोले कि देखे लेफ्ट टायर आपका कहीं बाहर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो याद रखना सीधा नीचे गिरोगे, और नीचे गिरे तो भले ही आप बच जाओ बट याद रखना चिनाब नदी में गए तो नहीं बच पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डरने की बात नहीं, ये बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर ही आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि इस रोड पे चलने की, क्योंकि अगर बस जा सकती है तो आपकी गाड़ी तो छोटी है, वो तो आराम से ही जाएगी। बट ध्यान से, जितना कड़क धूप में जाओगे उतना ग्लेशियर्स पिघलेंगे और उतने ही ये नाले बड़े होंगे। तो तभी बोलता हूँ कि दिन को ना जाएं, ट्राई करें जितना सुबह इसको क्लियर कर सकें वो बेटर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं एक पर्सनल व्यू बताऊँगा, ना मुझे हाइट से डर लगता है ना मुझे नैरो रोड से, जितना मर्जी जैसा भी रोड हो बस गाड़ी जितना गाड़ी चौड़ी होती है अगर उतना रोड मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। बट जो ये लटकते हुए पत्थर होते हैं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा डर और मेरे मन में जिसमें बोलते ना खलबली मचाता है वो ये पत्थर होते हैं कि बिल्कुल एज पे ऊपर पत्थर होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नीचे हमें घूर रहे होते हैं कि हम कब जैसे आएँ, तो ये थोड़ा सा मुझे डर आता है। तो अपना डर भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज़्यादा किससे लगता है, हाइट से लगता है, नैरो रोड से लगता है, या फिर इन पत्थरों से लगता है।
I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. फ्रेंड्स, यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको एक अनोखी ट्रिक. अनोखी ट्रिक तो नहीं करते होंगे काफ़ी लोग, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपको भी फ़ायदेमंद हो सकती है. तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं बस वाले ने अपने राइट साइड लिया है और मैंने पहले ही अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड डाल के रखी है. मीन्स बस वाले के लेफ्ट साइड और मेरी राइट साइड. तो इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं लेफ़्ट साइड लेता हूं तो मुझे ज़्यादा एज पे भी जाना पड़ सकता है और मुझे यहां का नॉलेज नहीं है इस रोड का, क्योंकि बस वालों को डेली अप डाउन करने वालों को याद रखना, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है उस रोड का और पता लग जाता है कि ये सड़क कितनी पक्की है और कितना एज तक जा सकते हैं. एक फ़ीट अंदर रखें या दो फ़ीट रखें. इसलिए मैं क्या करता हूं, जब भी कोई बस आती है, ट्रक आता है, तो अपनी गाड़ी हो सके तो अपनी राइट साइड कहीं पर जगह मिल जाती है उसमें डाल देता हूं, ताकि जो ट्रक और बस वाले अनुभवी ड्राइवर होते हैं जो रेगुलर चलते रहते हैं रोड पर, वो अपने अकॉर्डिंग उस पर जा सकें, एक फ़ीट अंदर रख सकें, दो फीट. तो आप ट्राई करें कि अगर मान लीजिए आप लेफ़्ट में ही फंसो तो कम से कम डेढ़ फीट फासला होना चाहिए आपका एज से. अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि ज़मीन नीचे से भुरभुरी होती है, स्लिपरी होती है, कुछ भी हो सकता है, तो ख़तरा बढ़ जाता है. तो सबसे बड़ा इसका यहाँ पे ट्रिक यही है कि आप राइट साइड डालें और बस वाले को आराम से जाने दें और बस वाला आराम से जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी. तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम पुर्थी में और यहाँ आके ही आपको कुछ मिल सकता है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी करना है यहाँ आके मिल सकता है. और यहाँ देखो कटप्पा की हालत कैसी होगी यार, पहचान ही जा रहा है हमारा. तो भाई, अभी हम वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड को क्रॉस करके आए, तो हम कुल्लू वालों को वैसे उतना डर नहीं लगता. हालत बहुत पतली हो चुकी है यार, धूड़ ही धूड़, टोटल डर्ट रोड है केलोंग से यहाँ तक. गाना देखो, चला लाड़ियो. तो रह चुका है अभी 35 किलोमीटर यहाँ से केलाड़, 1.5 hours to go. और कटप्पा इज वेटिंग. कटप्पा बोल रहा है कब मैं बकरे को खाऊंगा. हेलो. कमजोरी आ गई कटप्पा में यार, बहुत ज़्यादा. तो इसकी कमजोरी दो तरह से ख़त्म हो सकती है. थोड़ा सा मटन प्योर यहाँ के हिमाचल के कहीं जो जंगल में चर के आया होगा उसका मटन, और साथ में एक बियर की बॉटल. पास कटप्पा रिचार्ज हो जाएगा. हो जाएगा कटप्पा? ऑफ कोर्स. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हम किलाड़. कुछ ऐसा दिखता है किलाड़ का व्यू. हाँ, बट कटप्पा की हालत वैसी है. कटप्पा अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता. So cute. तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम किलाड़ में. तो अभी अंधेरा हो चुका है यार, थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, लगभग 2 to 2.5 hours. बट क्या करें, उसके बाद अरेंजमेंट करते करते बहुत टाइम हो गया. तो अभी है हम टेंट में और लोकेशन अल्टीमेट है, यहाँ से सब कुछ दिखता है. तो सुबह उठ के मैं बाकी लोकेशन दिखाऊंगा, बट रात को मैं शूट करने वाला हूँ कुछ एक फोटोग्राफ्स. शायद मिल्की वे की मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा. और यहाँ पे अभी अभी मैंने एक शूटिंग स्टार भी देखा. तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी आज की जर्नी. बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत टफ थी,
बट क्या करें, कुछ नहीं, ऐसा चलता है, हिमाचल में रोड्स ऐसे ही हैं। तो अब डर की बात है तो डर लगता भी है, नहीं भी लगता है, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, जो भी रोड थे हमारे पास, तीन मुश्किलें थी, रोड नैरो था, नीचे नदी थी, ऊपर पत्थर थे और लैंडस्लाइड भी हो सकता था। तो ये चीज़ें चलती हैं। अब याद रखना, हम कम से कम 8 से 10 दिन यहीं हैं किलाड़ में, और नॉट किलाड़ में बट इस पांगी वैली में। तो दिखाऊंगा मैं डिफरेंट डिफरेंट गांव आपको डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए से। तो अभी मेरे साथ हैं कटप्पा जी। कटप्पा जी से हाय। कटप्पा जी, कैसा ट्रिप रहा आज आपका? बहुत मस्त है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने केपल एक्सपीडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हो सके तो दुआ कर, दुआ तो क्या करोगे, मैं हो सके इसके बाद डालूंगा मैं 2-3 फोटोग्राफ अगर मिल्की वे की मिली होंगी, अगर नहीं मिली होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और बता देना फोटोज़ कैसी हैं, अगर ली होंगी तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।